सो गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम लेट्स क्रैक यू पी एच सी 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 सो इन टू डिज दिंदो सेशन द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर फर्स्ट इज इंटीग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड अर्बन लोकल बॉडीज ये टॉपिक जो है आपका एडिटोरियल के अंदर आया है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिर है आपका यू एस सी आई आर एफ के बारे में यू एस और एलॉन मस्क टू buy ट्विटर ये दोनों टॉपिक आपके एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर हैं बोथ आर अंडर इस सीरीज़ फिर फिर है आपका स्पलेंटर नेट आ, ये न्यूज़ के अंदर है व्हाट बेसिकली इज स्पलेंटर नेट दैट वी आर गोइंग टू तो डिस्कस यूएस एस होस्ट वेपन समिट ये आई का आपका न्यूज़ है तो so ये टॉपिक आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये टॉपिक भी आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ, ये इन जनरल इन्फॉर्मेशन है इन स्प्रिंटर नेट ये टॉपिक आपका जी एस पेपर थ्री के अंदर फ्रेम हो सकता है ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन एंड फिर आपका प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन uh, है न, उसको डिस्कस करेंगे सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम सौरभ पांडे अगर आप आई इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से नहीं जुड़े जरूर से जुड़े यूज़ द कोड एस पी आई वी ई इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे द्वारा करंट अफेयर का कोर्स मई जून जुलाई हर महीने आपका लॉन्च होगा डेली करंट अफेयर का कोर्स है तो क्लास में आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल है वो भी प्रेम्स के बाद लॉन्च होगा तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जब आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जितने भी ये बुकलेट्स हैं ये सब आप बुकले, बुकलेट्स आपको मिलेगी तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं इनमें सारे में जो एम हैं वो भी इंक्लूडेड है और वन ईयर का सब्सक्रिप्शन जरा जब आप लेते हैं क्योंकि ये अगर आप थर्टी तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी की सारी जो बुकलेट्स हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगी अभी आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें ये जो ऑफ़र है जिसमें आपको 20 परसेंट का ऑफ़र रहेगा इसमें सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज़ आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और यू पी बैच कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं मतलब जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये सब एक्सेस कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट अ स्प्रिंटर्ड नर्व सेंटर जो टॉपिक है दैट इज़ स्प्लिंटर्ड नर्व सेंटर सो ये एक टॉपिक है इसको डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस के अंदर ये टॉपिक आपका फ्रेम हो जाता है आ, ये टॉपिक के पीछे जो एक रीज़न है मतलब यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैं उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इस्टाब्लिश करने की बात की है एट्टी सिटीज़ के अंदर तो ये एट्टी सिटीज़ जो कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंदर आपके सेलेक्ट किए गए हैं तो उन सिटीज़ में चीज़ों को मैनेज करने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट को मैनेज करने के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का गठन करने की बात की है तो ये क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पैन सिटी कंपोनेंट है मतलब अलग अलग सिटीज़ हैं लेकिन उनके लिए एक ये सेंटर आपका क्रिएट किया जाएगा इस सेंटर के माध्यम से बहुत सारे सिटी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या जो चैलेंजेस हैं उनको मीट किया जाएगा थ्रू स्मार्ट सॉल्यूशन स्मार्ट सॉल्यूशन में डिजिटल सॉल्यूशन की तरफ भी जो स्टेप है वो आपके लिए जाएंगे ये जो आ, आपका प्रोजेक्ट है आईसीसीसी देखो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो कि हम जी एस पेपर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर पढ़ते हैं तो अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ आफ्टर सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ये हमेशा से हाईलाइट किया गया है कि उनकी रोल और रेस्पॉन्सबिलिटी और इन्हेंस होगी अब अगर ये आई आपका ये जो प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर हम इस्टबलिश कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश करेगा विथ अर्बन लोकल बॉडीज़ अर्बन लोकल बॉडीज़ की एक अलग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को सामने लेकर आ रहे हैं दोनों के बीच में कैसे बैलेंस इस्टेब्लिश होगा वो देखना है अब इसके पाँच बेसिक पिलर्स हैं इस प्रोजेक्ट के पांच बेसिक पिलर हैं पहला जो है बैंडविथ सेकंड सेंसर्स एज डिवाइसेस जो कि रियल टाइम डेटा जनरेट करेंगे उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो कि एक प्रकार से सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका एनालिटिक्स जो है वो डेवलप वो रियलाइज़ करना कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं सो दैट ड्रॉन डेटा कैप्चर्ड बाय एंड डिवाइसेस टू जनरेट इंटेलिजेंस मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग, 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 अलग डेटा जो जनरेट होगा फिर उसका जो एनालिसिस है फिर डेटा को स्टोर भी किया जाएगा और एक सिस्टम ऑफ सिस्टम आपको क्रिएट किया जाएगा इट मींस एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंपोनेंट ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द सिटी इट मींस क्या कि अलग अलग जो सिटीज़ हैं उन सिटीज़ के अंदर अलग अलग चैलेंजेज़ हैं डेटा उनसे रिलेटेड आपका स्टोर किया जाएगा एक इंटेलिजेंस जनरेट किया जाएगा ठीक है यहाँ पे ये चैलेंजेस हैं ये स्टेप लिए जा रहे हैं इस डायरेक्शन में सिटी जा रही है तो ये सब कुछ एक एक जो उसके लिए एक सेंटर होगा दैट विल बी आईसीसीसी जिसे हम ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द सिटी कहेंगे जिसके बेसिस में सिटी का आगे ग्रोथ कैसे होगा सिटी कैसे चीज़ों को मैनेज करे चैलेंजेस को कैसे मीट करे उसको हम टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन के माध्यम से डील करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो जरूरी चीज़ है दैट इज़ ICCC जो कि आपका अनाउंस किया गया है सेंट्रल टू द प्रॉमिस ऑफ द आइडिया ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन को मैनेज करने के लिए या फिर सिटीज के अंदर जो चैलेंजेस और जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं उनको मैनेज करने के लिए ये जो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का कंसेप्ट है वो लेकर आया जाएगा क्योंकि जो भी डेटा जनरेट होगा आईसीसी के अंदर उस डेटा के बेसिस में डेटा स्टोरेज है और उस डेटा के बेसिस में चीज़ें प्रिडिक्ट की जाएंगी कि आखिर जो सिटी है सिटी किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है रियल इस्टेट हॉटस्पॉट कौन से रहेंगे कौन सा एरिया एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो उन एरियाज़ में एक्सीडेंट ना हो ऐसा देखना है तो ये क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट आई का बन जाता है दैट इज़ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की तरफ जो कार्य है वो आपका किया जाएगा आईसीसी में सीन इन विद द फंक्शन ऑफ एन अर्बन लोकल बॉडीज अब ये एक चैलेंज आपका बनता है क्योंकि सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अर्बन लोकल बॉडीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपका दिया है तो यहाँ पे चाहे वो फंक्शन है फंक्शनरीज हैं फाइनेंस है तीनों एफ के में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं जैसे म्यूनिसपैलिटीज हैं सिपल कॉरपोरेशंस हैं तो इनको एम्पावर करने की बात की जा रही है अब जो सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा कि जो आईसीसीसी है क्योंकि तो एक पैन सिटी प्रोग्राम है यह प्रोजेक्ट है अब ये किस तरीके से एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ इस्टेब्लिश करके चीज़ें की जाती हैं तो ये एक चैलेंज आपका बन सकता है इसकी तरफ अब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के रूप में एक्जीक्यूट किया जाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अगर एस अगर इसे स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में देखा जाएगा तो जो वर्क है यूएलबी का मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ का और एस का कई वर्क ओवरलैप कर सकते हैं वर्क ओवरलैप भी करेंगे प्रॉपर एक्टिविटी मैपिंग भी नहीं होगी तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होगी कि जो कार्य अर्बन लोकल बॉडीज़ का है वही कई कार्य ये एस के माध्यम से किया जाएगा तो यहाँ पर प्रॉपर एक्टिविटी मैपिंग ना होने की वजह से एक्टिविटी मैपिंग का मतलब कि जो कार है जो कार डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक्टिविटी या जो कार्य है उसका जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका फोकस नहीं इसमें रहेगा क्योंकि वही काम आई के माध्यम से अलग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करके हम पूरा करेंगे और वही काम अर्बन लोकल बॉडीज़ का भी कार्य है तो दोनों के कार्य में ओवरलैपिंग आपकी हो सकती है तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो टेंशन है वह एग्जिस्ट कर सकता है तो देखो जी एस पेपर टू के अंदर पॉलिटिक एंड गवर्नेंस के अंदर लोकल बॉडी हम एक टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये एक नया तरीके का जो चैलेंज है अर्बन लोकल बॉडीज़ के फंक्शनिंग के अंदर वो देखने को मिल रहा है दूसरा ये भी रिस्क है देर इज़ अ रिस्क ऑफ परमानेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द सिस्टम क्योंकि अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं होगा या फिर आ, पुअर इंटीग्रेशन होगा और सिर्फ जो फोकस है वो है कि सॉफ्टवेयर का हम अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उस सॉफ़्टवेयर के माध्यम से जो, जो चीज़ें आ रही हैं उसको तो हमें जो ग्राउंड लेवल पे कार्य करना उसके लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर हम चीज़ों को सिर्फ वीडियो सर्विलियंस कर रहे हैं या फिर जो स्टाफ है एक अलग स्टाफ इस्टेबलिश कर रहे हैं अर्बन लोकल बॉडी का अलग स्टाफ है तो यहाँ पे फिर काफ़ी सारा चैलेंज बन सकता है और कहीं कही ना कहीं फिर आ, दोनों सिस्टम में एक टेंशन आपका एग्जिस्ट कर सकता है तो इसके लिए क्या कहा गया कि जो साइजबल इन्वेस्टमेंट है वो आ, जरूरी है अगर देखा जाए साइजबल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड क्रिएट कॉन्ट्राडिक्शन इन सम सिटीज़ विच आर अदरवाइज स्ट्रगलिंग फॉर फंड्स टू अपग्रेड दर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज तो एक तरफ इस प्रोजेक्ट के लिए जो साइसबल इन्वेस्टमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है कि किसी भी सिटी में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी लैकिंग है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा है तो इसको किस तरीके से जो है मीट किया जाए ये एक चैलेंज बन जाता है ये एक चैलेंज जो है वो आपके लिए बन जाता है सो so, यहाँ पे ये देखना है कि आईसीसी का जो फ्यूचर है या जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं इसका जो सक्सेस है इसके सक्सेस को अगर जज करना है तो इफ़ सिटीज़ आर चूजिंग टू बिल्ड एंड सस्टेन दिस सिस्टम आउट ऑफ दियर ओन रेवेन्यू और अन टाइट फंड तो यहाँ पर सबसे जरूरी है कि अगर आ ये इसका जो फ्यूचर है इसके सक्सेस का जो फ्यूचर है अगर इसको हमें देखना है तो ये आ देखना पड़ेगा कि जो सिटीज़ हैं सिटीज़ अपने प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो भी सिस्टम जनरेट करती हैं वो सिस्टम जनरेट करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो एक तरीके से खुद से जनरेट कर पा रही हैं अपना खुद का रेवेन्यू और अगर जो फ़ंड इस्तेमाल भी हो रहा है वो फ़ंड जो दिया जा रहा है सिटीज़ के लिए उनके फंक्शनिंग के लिए वो अनटाइड हो मतलब अनकंडीशनल कभी भी जो पैसा दिया जाता है उसमें टाइड ग्रांट होता है टाइड ग्रांट का मतलब होता है कि कंडीशंस लगी होती हैं कि आपको इस पैसे को इस परपज़ के लिए जो है इस्तेमाल करना है तो ये पॉइंट भी ध्यान में जो रखना है नेक्स्ट देखते हैं इंडिया डेजिगनेशन बाय द यू एस तो इंडिया डेजिग्नेशन बाय द यू एस ये एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर आर्टिकल है जो कि मेंशन आपका है तो यहाँ पे अभी अगर देखा जाए 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम उसने रिकमेंड किया है कि इंडिया बी डेजिग्नेटेड अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न अब देखो एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि आ, जो स्टेप जो स्टेप आपका आ, लिया गया है इंडिया के द्वारा यूक्रेन और रशिया के कंटेक्स में देखा जाए तो इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने की जो कोशिश की है और जो प्रेशर यूएस ने डाला उसको इग्नोर किया है तो ये सब डेवलपमेंट धीरे धीरे देखने को मिल सकते हैं आ, क्योंकि जब अब वहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे इंडिया के साथ मीट भी हुई थी तो उसमें आ, कि इंडिया को कंसिक्वेंस फेस करेंगे ऐसे कुछ जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो आपके बोले गए थे तो यहाँ पे ये कई तरीके के जो मैकेनिज्म है पहले आपको ध्यान में रखना है कि यू एस की बात करेंगे आगे ये है क्या तो ये ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन की कोई बॉडी है ये यू की ही बॉडी है यू के द्वारा ही ये बॉडी है जो कि रिलीजियस फ्रीडम जैसे आस्पेक्ट पर अपने जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपका रखता है तो यू एस की बात करिए एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टिशन बॉडी है जो कि क्रिएट की गई है बाई इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट नाइनटीन 1998 और इसमें क्या है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको मॉनिटर करना कि कोई वॉयेशन तो उसका नहीं हो रहा है और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके रिकमेंडेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कांग्रेस के रिकमेंडेशन के माध्यम से इसका गठन भी आपका किया जाता है मेक पॉलिसी रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट मतलब एक तरीके से भी देखना है कि ये जो बॉडी का गठन किया जाता है अंडर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के माध्यम से तो वो फिर रिकमेंड भी करता है प्रेसिडेंट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कांग्रेस कांग्रेस मतलब वहाँ की जो पार वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसको रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ पर ऐसा रिलीजियस जो फ्रीडम है उसका वायोलेशन हो और ऐसे ऐसे कार्य हमें करना चाहिए तो यहाँ पर ये कांग्रेस के द्वारा ही मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके माध्यम से ही एंटिटी क्रिएट होती है कोई एनजीओ नहीं है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसमें ना नाइन पार्ट टाइम कमिश्नर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट आपके किए जाते हैं और इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरशिप है वो आपकी प्रेजेंट आपकी रहती है जिसमें हाउस और uh, सेनेट मतलब कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव uh, हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेटिक uh, और रिपब्लिकन के रिप्रेजेंटेटिव दोनों इस पे आपके uh, प्रेजेंट uh, रहते हैं तो यहाँ पे जो कमिश्नर्स नौ पार्ट टाइम कमिश्नर या सेलेक्ट किए जाते हैं वो डिस्टिंग्विश्ड uh, इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका फॉर देयर नॉलेज एक्सपीरियंस इन द फील्ड रेलिवेंट टू द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इंक्लूडिंग फॉरन अफेयर्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस अब्रॉड ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ इन सारे एरियाज़ में उनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ होती है जिन कमिश्नर को चूज़ किया जाता है जो कमिश्नर एक्ट आपका करते हैं और फिर उनको अपॉइंट आपका किया जाता है वट डज़ अ कंट्री ऑफ़ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेशन मीन इसका क्या मतलब हुआ अगर किसी को कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न ये डेजिग्नेशन आपका अगर दिया जाता है तो uh, इसके लिए ये इसका क्या मतलब होता है तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी कंट्री को अगर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के रूप में देखा जाता है तो यहाँ पे ख़ास तौर से कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट आइदर इंगेज इन एंगेज इन और टॉलरेट पर्टिकुलरली सीवियर वायलेशन ऑफ़ द रिलीजियस फ्रीडम मतलब जो रिलीजियस फ्रीडम मिलना चाहिए वो रिलीजियस फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती है और पर्टिकुलर सीरियस सीवियर वायलेशन उस चीज़ का हो रहा है तो यहाँ पर यहाँ पे सिस्टमेटिक ऑन गोइंग वाइलेशन ऑफ़ इंटरनेशनली रिकोगनाइज इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि ये ये चीज़ें होना चाहिए अगर ये ये चीज़ें नहीं होती हैं तो इट इज़ अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो अगर आ, कोई भी कदम उठाया जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो फिर उनको आपका कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के रूप में जो है वो डाला जाता है फिर कई सारे जो आ, कुछ स्टेप्स हैं जो स्टेप्स रिकमेंड किए जाते हैं प्रेसिडेंट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यूएस के जो पार्लियामेंट है उसमें आपको जो है रिकमेंड किया आ, आपका जाता है व्हाट इज लाइकली इम्पैक्ट ऑफ यू सीआरएफ रिकमेंडेशन तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अभी ऐसे रिकमेंडेशंस में इतना इसने एक्ट नहीं किया है लेकिन क्योंकि इंडिया की जो पोजिशनिंग है आ, अमेरिका ने जो बोला उस उसके खिलाफ इंडिया ने पोजिशनिंग की है या उसके कंसोनेंस में नहीं किया तो इंडिया की जो पोजिशनिंग है इस इशू में तो उस पोजीशनिंग को ध्यान में रखते हुए अब इंडिया आ, किस तरीके कदम उठाता वो देखने वाली बात है लेकिन आ, अब आ, जो अमेरिका है थ्रू यू एस उसके जो रिकमेंडेशन है उसमें वो एक्ट करता ही नहीं करता वो भी देखने वाली बात है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के इस वॉर के दौरान आ, कई सारे आ, जो इंडिपेंडेंट स्टेप्स हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा और मे बी इस बार जो यूएस है वो आ, एक्ट भी करे आ, जो रिकमेंडेशन यू एस सी आई आर एफ के द्वारा आपकी दी गई हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर है फॉर फ्री स्पीच थ्रू पेड सब्सक्रिप्शन एलन मस्क ट्विटर टेक ओवर तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस साल के एंड के अंदर ये एक नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि जो एलन मस्क है जिनके पास लगभग 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं और धीरे 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 इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उसके लिए कई सारे जो है स्टेप्स लिए भी जा रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ़ दिस ईयर इस साल के एंड तक एलन मस्क जो है ट्विटर को टेक ओवर कर लेंगे अगर ट्विटर को टेक ओवर कर लेते हैं तो वो क्या चेंजेस करना चाहते हैं आ, कई बार हमने डिस्कस किया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि उन्होंने रिकमेंड भी किया है सो हाउ इज़ ट्विटर डूइंग एज अ बिजनेस जैसे देखो अगर फेसबुक और गूगल की बात करें तो अगर आपको बिजनेस अपना कोई भी जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई या आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो गूगल के माध्यम से एडवर्टाइज़ किया जा सकता है सिमिलरली फेसबुक के माध्यम से जो है किया जा सकता है तो यहाँ पे जो फेसबुक और गूगल है इनका एक डिफरेंट और लार्जर बेस है जिसका इस्तेमाल करके एडवर्टाइजमेंट मॉडल डेवलप किया जा रहा है ट्विटर के कंटेक्स में देखा जाए तो इस एरिया में इतना वर्क नहीं किया वर्क आपका नहीं हुआ तो उसे एक बिजनेस मॉडल डेवलप करना है जब वो बिजनेस मॉडल को डेवलप करेगा आ, करेगा और उससे कई तरीके हो सकते हैं जैसे ट्विटर यूज़ ही मोनिटाइज कर दिया जाए सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे हो कि साल भर का सब्सक्रिप्शन दो सौ का ऐसा कुछ अभी तो फ्री है तो ये भी पॉसिबिलिटी है दूसरा अगर ये भी देखा जाए कि इसका जो शेयर है Uh, अगर स्टॉक में इसका जो है प्राइस शेयर तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ मतलब डॉलर ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड थर्टी से डॉलर फिफ्टी इंक्रीज़ हुआ तो कई सारे ओपिनियन बनाने के लिए आ, अगर देखा जाए ओपिनियन बनाने में परसेप्शन डेवलप करने में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ आ जाते हैं जियो पॉलिटिक्स में जहाँ पे जहाँ पे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका रोल बहुत बड़ा बन जाता है परसेप्शन क्रिएशन में लोगों के थिंकिंग को शेप करने में लोगों के ओपिनियन में को शेप कर शेप करने में बहुत बड़ा जो रोल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बन जाता है सो so, अगर कोई उसको होल्ड करेगा तो कई अपकमिंग टेक्नोलॉजीज कई अपकमिंग जो बिजनेसेस हैं उस उससे रिलेटेड जो परसेप्शन है खासतौर से लोगों का वो परसेप्शन को शेप किया जा सकता है जैसे अगर ट्विटर को होल्ड एलन मस्क के द्वारा किया जाएगा तो वहाँ पे कई कदम वो उठाएंगे लेकिन एक परसेप्शन बिल्डिंग में भी एक बहुत बड़ा रोल होगा अपने प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव परसेप्शन बना सके ऐसा वो इंश्योर कर सकता है चाहे स्पेस रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो टेस्ला की कारें हों कई सारे ऐसे रीजनस हैं कि अपने प्रति क्योंकि आज के समय में या फ्यूचर के अंदर जो भी प्रोडक्ट होगा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट होगा तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं इन इनके प्रति जो परसेप्शन है वो भी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगा सोशल मीडिया पर निर्भर करेगा और जो भी इसको होल्ड करेगा सोशल मीडिया को तो वो कई परसेप्शंस को भी अपने हिसाब से शेप कर सकता है वट चेंजेस हैज़ मस्क सजेस्टेड टू द प्लेटफॉर्म कई सजेशंस दिए गए हैं तो जैसे जो बॉट नेटवर्क है जो आपके ऑटोमेटेड ऐसे नेटवर्क क्रिएटेड है उनको हटाना उसके बाद ओपन सोर्स करना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या है कि जो कोडिंग होती है वो सामने रहती है और जो यूज़र्स हैं वो उसके चेंजेस अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन सर्विस इंट्रोड्यूस करना कि हो सकता है कुछ पेड कर दिया जाए कि अगर किसी को यूज़ करना है तो इतना साल का सब्सक्रिप्शन होगा 200-400 जो भी है वो आपका रखा जा सकता है जिससे कि मोनेटाइज किया जाए फिर एडिट बटन होना चाहिए कोई चीज़ किया है तो उसमें एडिट बटन का भी ऑप्शन है ऐसा भी हाईलाइट आपका किया गया किया गया है वाइज मिस्टर मस्क इंटरेस्टेड इन ट्वीट तो यहाँ पे यहाँ पे हाईलाइट किया गया दैट इज़ ऑफर वाज नॉट अबाउट मेकिंग मनी बट अबाउट फ्री स्पीच मतलब उनका ये कहना जरूर से है कि हम ऐसा नहीं कि पैसा कमाना चाह रहे हैं या ऐसा बट फ्री स्पीच को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अब ये तो देखो कहने वाली बात है यहाँ पे जैसे बड़े जो बिजनेसमैन है वहाँ पर अगर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा कमर्शियल इकोनॉमिक लेवल पर तो कभी भी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो यहाँ पर उनको भी पता है कि परसेप्शन बिल्डिंग एक बहुत बड़ा मैटर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेंस के लिए परसेप्शन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट तो बड़ी बड़ी कंपनी चाहे वो गूगल हो चाहे वो फेसबुक हो ट्विटर कोई भी कंपनी अगर आती हैं जो कि इस डिजिटल स्पेस को कंट्रोल करती हैं वो डिजिटल स्पेस को जो भी कंट्रोल करता है वो लोगों के परसेप्शन, थिंकिंग बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है तो ये एक पॉइंट है जो कि uh, हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो ऐसे ऐसे बड़े जो लीडर्स हैं बिजनेस हैं उनका जो इंटरेस्ट इंक्लाइन हो रहा है टूवर्ड्स द सोशल मीडिया नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे अगर देखा जाए कि इस, इस नेट ये क्या होता है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ठीक है व्हाट बेसिकली स्प्रिंटरनेट नेट को नेट क्या है ये इसे साइबर बालकनाइजेशन या इंटरनेट बालकनाइजेशन भी आपका कहा जाता है तो देखो यहाँ पर स्प्लिट और इंटरनेट इंटरनेट क्या है कि जैसे एक स्पेस है अब उस स्पेस में भी अलग अलग जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जैसे मान लो ये एक स्पेस है और इस स्पेस में भी डिफरेंट ऐसे डिविजन्स हैं हर स्पेस में जैसे एक बहुत बड़ा एक अपार्टमेंट है जिसमें जिसमें आपके एक हज़ार रूम हैं और हर रूम में अलग अलग फैमिली रहती है तो यहाँ पे क्या है कि जो इंटरनेट का स्पेस है उस इंटरनेट के स्पेस में अलग अलग डिवीजन्स हैं और अलग अलग डिवीजनस को अलग अलग फैक्टर्स की वजह से कंट्रोल किया जा रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा चाहे वो कॉमर्स के कंटेक्स में हो पॉलिटिक्स के कंटेक्स में हो रिलीजन के कंटेक्स में हो या डाइवर्स नेशनल इंटरेस्ट के कंटेक्स में हो तो ये जो टेंडेंसी है इसे इस प्रिंटरनेट कहते हैं वी कॉल दिस एज़ अ स्पलिनटरनेट तो यहाँ पे क्या है ऑटोनोमस पोलिटिकल जो ब्लॉक्स हैं वो इसको आपका पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं तो चाहे वो ई कॉमर्स कंपनी हो टेक कंपनीज हो या कई दूसरे नेशनल इंटरेस्ट हो आ, जो कि नेशनलिज्म या रिलीजियस आस्पेक्ट से लिंक्ट हो ये जो टर्म है ये क्लाइडे वैन क्रू एक रिसर्च है, रिसर्चर है काटो इंस्टीट्यूट के द्वारा उन्होंने ये टर्म 2001 के अंदर क्वाइन किया था आ, जिसके तहत उन्होंने डिस्क्राइब किया था पैरल इंटरनेट दैट वुड बी रन एज अ डिस्टिंग प्राइवेट एंड ऑटोनस यूनिवर्स तो पैरलली चीजें रन होंगी उसी इंटरनेट में जो पैरलली आस्पेक्ट है आ, मतलब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को रन किया जाएगा ऑटोनोमस पॉलिटिकल ब्लॉक्स आ, जो वो स्पेस है इंटरनेट का उसको रन करेंगे पैरलली और फिर चाहे उसमें कन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन हो, हो वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का जो इंटरेस्ट है आ, वो इंटरेस्ट आपका देखने को मिल रहा है so, सो इस स्प्लिंटर नेट इसको बल्कनाइजेशन ऑफ द नेट भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे उस स्पेस के अंदर जैसे आ, क्योंकि इंटरनेट ऐसा तो है नहीं कि उसको आप बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं वी कैन नॉट डिफाइन द बॉर्डर तो यहाँ पे मान लो वो इंटरनेट जो कि इंडिया के में यूज़ हो रहा है वो पूरा का पूरा स्पेस को आ, उस स्पेस को कंट्रोल करने के लिए कई सारे रूल्स लॉस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे फर्दर फिर और भी विदिन आ, इंडिया और भी डिवीज़न इंटरनेट के आएंगे तो ये जो टेंडेंसी है इसको हम इस कहते हैं और ये जो सोवेनिटी है सोवेनिटी है ये डिजिटल सोवेनिटी की तरफ जाएगी मतलब अपना जो इंटरनेट स्पेस है उसको देश खुद से मैनेज करना चाहेगा उसको प्रोटेक्ट करना चाहेगा उसको रेगुलेट करना चाहेगा तो ये जो टेंडेंसी है ये टेंडेंसी देखने को फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकती है और अभी भी देखने को जो है मिलता है तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इट विल बी अ फ्रेगमेंटेड वेब फ्रेगमेंटेड वेब है ना पूरा का पूरा जो स्पेस है दैट स्पेस विल बी फ्रेगमेंटेड जहाँ पे सब अपना अपना हिसाब से जो डिजिटल सोवेंटी कोई मेंटेन करना चाह रहा है उसके विदिन कई पावर ब्लॉक्स हैं वो उस स्पेस को अपने अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है चाहे वो नेशनलिज्म से डिराइव हो रहा है चाहे वो रिलीजियस आस्पेक्ट से डिराइव हो रहा है वहाँ से उस बेसिस पर उस स्पेस को मैनेज आपका किया जा रहा है सो so, ये जो टेंडेंसी है इसको हम कहते हैं वी कॉल दिस एज अ स्पलिटर नेट वी कॉल इट अ एज्लिंटर नेट तो ये ध्यान में रखना दिस नेट विल बी फॉर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड ये भी आपको ध्यान में रखना है आवाज आ रही है इज इट क्लियर एवरीथिंग इज फाइन नेक्स्ट देखते हैं यूएस होस्ट वेपन समिट एज मॉस्को वॉर्न ऑफ वर्ल्ड वॉर ठीक है uh, ये वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है सो यू एस होस्ट वेपन सबमिट एज मॉस्को वॉन्स वार्स ऑफ वर्ल्ड वॉर अब देखो टॉप यू एस ऑफिशियल उन्होंने एमरजेंसी जो टॉक है वो आपकी रखी है जर्मनी विथ इन जर्मनी अब इसमें अलग अलग देश थे लगभग फोर्टी कंट्रीज हैं वो, है, वो आपके आए और बातचीत हुई इसमें आपके रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा और बार बार इसको कहा कि जो मदद की जा रही है है ना मदद की जा रही है यूक्रेन की तो इट मे भी रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यू वर्ल्ड वॉर दूसरा ये भी कहा गया कि यूक्रेन जरूर से कहता है बातचीत करने के लिए बट असल में वो बातचीत नहीं करना चाहता जर्मनी ने कहा कि हम एंटी एयरक्राफ्ट टैंक्स जो है वो सप्लाई करेंगे कई मिलिट्री स्पेशलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि यूक्रेन को जो एक प्रकार का वेपन्स है उन वेपन्स को प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे यूक्रेन और ये जो रशिया की वॉर है वो फर्दर एक्सटेंड होती चली जाए और जो यूक्रेन है जो लॉस्ट रीजन है जैसे दोनबास्ट रीजन है जो भी रीजन लॉस किया है रशिया के उसको उसको दोबारा से वो एक्वायर कर सके अटैक ड्रोन्स हैं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं कई प्रकार के ऐसी आ, या इंटेलिजेंस है वो भी वेस्टर्न कंट्रीज शेयर कर रहा है यूक्रेन के साथ और जो आ, एक प्रकार से जो भी वॉर आपकी सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट आसपास की कंट्रीज़ के अंदर भी देखने को मिला जैसे मोल्डोवा के अंदर भी अभी फर्दर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे बाय बाय एक्सटेंडिंग द कन्फ्लिक्ट जो ये कन्फ्लिक्ट फर्दर जो एक्सटेंड किया जा रहा है इस एक्सटेंशन uh, की uh, वजह से देर इज़ अ फर्दर पॉसिबिलिटी कि और कंट्रीज़ भी इस वॉर के अंडर आपकी आ सकती हैं तो यहाँ पे रशियन बैक्ड सेपरेटिस रीजन ऑफ ट्रांसनिस्ट्रिया जो कि माल्डोवा uh, के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी uh, कि उसको भी सपोर्ट किया जाए या उसको भी हटाया जाए ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज हटाने की कोशिश करेंगे रशिया जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे कई कदम हैं वो देखने को मिलेंगे जरूरी यह है कि जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ जाएँ कि कैसे हम इस पूरे इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं वो उस डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है और इस डायरेक्शन के लिए जो कंट्रीज उनको बैठ के बात करना जो है वो जरूरी है मीडिया के माध्यम से इट्स अगेन वेरी डिफ़िकल्ट कि आ, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके कि आ, जो नेगोशिएशन है वो बातचीत है वो मीडिया के स्टेटमेंट के बेसिस पे हो सके हो ऐसा आ, इससे सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं प्रोसीड कर सकते ज़रूरी ये है कि एक जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके चाहे वो सबमिट के माध्यम से जैसा भी बातचीत करना बहुत जरूरी आपका बन सकता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं इससे पहले लेट लेटम फॉर्म कंप्लीट कोर्स ऑन डेली करंट अफेयर्स मई जून जुलाई हर महीने के लिए आपका लॉन्च होगा तेईस चौबीस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जरूर से आप इसका हिस्सा बने अन के अंदर है यूज़ द कोड एस और आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पर हर चीज़ जो है वो आपकी कवर्ड रहेगी क्वेश्चन देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बोलाड पुल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो ये बोलाड पुल से रिलेटेड क्वेश्चन है इट इज अ कन्वेंशनल मेजर ऑफ द पुलिंग पावर ऑफ वाटर क्राफ्ट इट कैन बी डिफाइंड एज द थ्रस्ट दैट इज डेवलप्ड बाय प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ एनी वेसल्स वेन इट जीरो स्पीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोलाड पुल वैल्यू इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर वेसल्स सच एज ट एंड इज रिकॉर्डेड इन किलो न्यूटन और अदर यूनिट ऑफ फोर्स सच एज टर्म शॉर्ट टन और टन ऑफ फोर्स ठीक तो है तो यहाँ पे बोलाड पुल से रिलेटेड है तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है सो इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एग्जर्टेड बाय अ वेसल्स अंडर पुल पावर ऑन अ शोर माउंटेड बोलाड थ्रू अ टो लाइन कॉमनली मेजर्ड इन प्रैक्टिकल टेस्ट अंडर टेस्ट कंडीशन दैट इंक्लूड काम वाटर नो टाइड आ, मतलब एक रस्सी है उस रस्सी से आ, कोई वेसल्स बंधी हुई है उसको पुल करना है ठीक है तो ब, उ, हो सकता है उसी को बलाड पुल हम कहते हैं तो अब वो जो आ, वेसल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है वो पानी शांत है टाइड है बड़ी लहरें आ रही हैं या फिर बहुत डेप्थ में है तो ये डिपेंड करता है कि किस फोर्स की ज़रूरत है जो फोर्स की ज़रूरत है वो पूरे तरीके से डिपेंड करता है कि किस वाटर पे वो किस टाइप के वाटर में जो वेसल्स है वो आपकी प्रेजेंट so, है सो बोलार्ड पुल इज इज सिमिलर इन प्रिंसिपल इन द ड्रॉबार पुल ठीक है तो यहाँ पे आ, जैसे आ, ट्रैक्टर ट्रक ट्रेलर आ, ये इन सब में जो इस्तेमाल होता है जिसमें ड्रॉबार पुल भी हम कहते हैं सिमिलरली आपका आ, जो बोलार्ड पुल होता है वेसल्स के लिए जो पानी में है चाहे वो काम वाटर में हो टाइड वाले पानी में हो तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना हो तो यहाँ पे क्या है ये क्या है वाटर क्राफ्ट से रिलेटेड है है ना तो जैसे एयरक्राफ्ट हवा में चलती वाटर क्राफ्ट जैसे शिप और ये सभी वाटर क्राफ्ट के रूप में होता है तो यहाँ पर कोई भी थ्रस्ट दैट इज़ डेवलप्ड बाय प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ एनी वेसल्स वेन इट हैज़ अ ज़ीरो स्पीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो तो बोलाड पुल की मेजर भी हम जैसे शॉर्ट टर्न्स में या किलो न्यूटन्स के अंदर हम करते हैं तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है वॉट बेसिकली इज बोलाड पुल ठीक है बोलाड पुल आपका क्या है तो ये क्वेश्चन है आज का जो हमने अभी डिस्कस किया स्वाज के लिए इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा थैंक यू एवरीवन थैंक यू इसका पीडीएफ अभी आई विल शेयर uh, टेलीग्राम चैनल सौरभ पांडे